नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि भारत अब ताकतवर बनता जा रहा है, भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के इस पार भी मार सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उरी और पुलवामा की जो घटना थी उस वक्त मैं गृह मंत्री था, जब मैं अपने शहीद जवानों का शव अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ा तो जो हमारी स्थिति थी उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इन घटनाओं के बाद पीएम मोदी के साथ एक बैठक हुई। मैं पीएम की इच्छा शक्ति की सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया। इसके बाद आपने देखा कि हमारे जवानों ने सीमा के इस पार नहीं बल्कि उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही भारत ने दुनिया को ये मैसेज दिया कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा, भारत अब ताकतवर बनता जा रहा है, भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और ज़रूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी मार सकता है। राजनाथ सिंह बोले कि जब से भारत आज़ाद हुआ कई भारत विरोधी ताकत भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की ज़मीन से इसके लिए बड़े पैमाने पर लगातार कोशिश की गई है। हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई शुरू की और पहली बार देश ही नहीं बल्कि दुनिया ने भी जाना कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का क्या मतलब होता है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।